हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज मैं फिर से पिच पे पेंटिंग बनाऊंगी। पहली पेंटिंग मैंने सीढ़ी पे बनाई थी, जो कि मैंने सिर्फ लोटस फ्लावर बनाए थे, लेकिन इस वीडियो में मैं गौ माता और उसके बछड़े को भी बनाऊंगी और उसके साइड में लोटस फ्लावर्स, जैसा आपने थंबनेल में देखा था। तो ये जो मैंने रफ स्केच बनाए, ये मैंने गूगल से स्क्रीनशॉट लेके बनाया था, आपने स्टार्टिंग में देखा था वैसे। और मैं फ्लावर बनाऊंगी अभी। पीच वीक, PICHH, पीच का मीनिंग होता है बैक, और WAIS का मीनिंग होता है हैंगिंग, मतलब पीच वीक का मीनिंग होता है बैक हैंगिंग। जो पेंटिंग्स है ये स्पेशली श्रीनाथ जी टेम्पल में लगाई जाती है, जो कि राजस्थान में है। और ये मैं बैकग्राउंड में ब्लू कलर करूँगी, और ये मैं पेंटिंग नेचर में बैठ के कर रही हूँ, मतलब ऐसी आमने सामने नेचर। मैं पहली बार ऐसी नेचर में बैठ के पेंटिंग कर रही हूँ, तो कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़, गाने और हवा ठंडी ठंडी, और फिर ऐसी पेंटिंग, अच्छा मूड। तो मैं पहले फ्लावर को पेंट करूँगी, मैं उसका बेस रेड कलर से करूँगी। इस फ्लावर को पिंक कलर की हेल्प से पूरा कंप्लीट करूँगी, जैसा आप देख रहे हैं वैसा। और फिर मैं ग्रीन कलर का भी यूज़ करूँगी फ्लावर के थोड़ा सा नीचे, जैसे कि वो दिखे कि वो हाँ, ये फ्लावर ऐसे उग रहा था और ऐसे उग गया। और मैंने गौ माता की कुछ ज्वेलरी बनाई है, आप देख रहे वैसा। मैं अभी गौ माता को पेंट करूँगी वाइट कलर से, और उसके बछड़े को भी। सिर्फ एक ही बात सीमित है कि हम बछड़े और गौ माँ को वाइट पेंट से पेंट करेंगे, और फिर उसके बाद हमारी पेंटिंग तैयार है। नहीं सॉरी, फिर उसको पेंसिल से मैंने बाद में शेडिंग किया है, और उसकी जो ज्वेलरी है मैंने पेंसिल से और ब्रश के पीछे की साइड से ज्वेलरी बना दी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।